हेलो गाइस, वेलकम टू इन द आवर क्लास। आवर फर्स्ट टॉपिक इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो जैसे कि हम सबने सुना होगा, डाइजेशन एक्चुअली होता क्या है। हम लोग अपने डेली रूटीन्स में भी सुनते हैं कि खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करना चाहिए, खाने को चबा चबा के खाना चाहिए ताकि वो डाइजेस्ट इजिली हो पाए। तो ऐसा होता क्या है कि हमें खाना ही डाइजेस्ट करना है, और खाने से हमें ऐसा मिलता क्या है कि हम खाने को डाइजेस्ट करें। वो खाना खाना हमारे डेली रूटीन्स में इतना नीटली इतना जरूरी है क्यों? तो आज हम इसी चीज पे डिस्कस करेंगे, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन मेनली होता क्या है, जब हम फूड इनटेक करते हैं बाय अवर माउथ, बाय बिकॉज एक माउथ इज ओनली अ सिंगल एंट्री गेट जिससे हम अपना फूड इनटेक कर सकते हैं। कोई ऐसा है कि जो कहता है कि नहीं, आज हमने हाथ से खाना खाया, आज हम अपने निकाल से खाना खाया या कहीं से भी? नहीं, सब अपने मुंह से ही खाना खाते हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा, वो एक सिंगल एंट्री गेट है। डाइजेशन इज स्टार्टेड फ्रॉम योर माउथ एंड योर माउथ इज अ सिंगल एंट्री गेट। लोग लेकिन हम हमेशा फूड ही क्यों लेते हैं, बिकॉज फूड तो हम बड़े लास्ट फॉर्म में, इनडिफ्यूजिबल फॉर्म में लेते हैं। तो क्या होता है फूड लेने से, बिकॉज हमारे फूड्स में हमारे मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमें क्या करते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी हमारे क्या काम आती है? तो एनर्जी हमारे क्या काम आती है, हम उठ पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, इवन हम किसी काम को कर पा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, हमें एनर्जी की नीड है। सपोजिटली अगर आज आप बैठ के कंटिन्यूसली पढ़ते हैं, तो भी अगर आप बैठे हुए हैं तो आपकी एनर्जी डेफिनेटली डाउन होगी। बट हाँ, ये हम कह सकते हैं वो थोड़ा स्लोली डाउन होगी, बट डेफिनेटली वो डाउन होगी। हम जब कभी कोचिंग से या क्लासरूम से घर जाते हैं तो क्या होता है, हम थक जाते हैं। हम जब थक जाते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐसा थोड़ी हम जाकर के ग्लूकोज की ड्रिप्स लगा लेते हैं या इंजेक्शंस ले लेते हैं, नहीं, हम कुछ खाते हैं। क्यों? क्योंकि खाने से हमें क्या मिलती है, एनर्जी। इसीलिए हम जब खाना खाते हैं, अब जब हम खाना, मैंने आपको बताया हम खाना कौन से फॉर्म में लेते हैं, इनडिफ्यूजिबल फॉर्म में। प्लस हम खाने के जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लार्ज। प्लस कौन से फॉर्म में होते हैं, टॉक्सिक। अब ये सारे इस फॉर्म में होते हैं, तो क्या इसी फॉर्म में ये हमारे लिए यूजफुल होते हैं, या हमें इसे कहीं कन्वर्ट करना चाहिए? मतलब क्या जरूरी है? ऑब्वियसली जरूरी है, बिकॉज अगर हमने खाना लिया है, सपोज हमारा रोटी का बाइट है, हमने उसमें दाल भी रख ली, हमने उसमें अपना खीरा सलाद भी रख लिया, हमने उसमें पापड़ भी रख लिया, तो क्या ये पॉसिबल है कि नहीं हम उसे चबा पाएंगे, नहीं हम उसे पूरे को ही एक साथ एनर्जी ले लेंगे? नहीं, क्योंकि जो ये फूड का पार्टिकल है ये इतना बड़ा है, जो हमारा रोटी का बाइट है ये इतना बड़ा है। अब हमारे को क्या करना पड़ेगा, इसे छोटे 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 मॉलिक्यूल्स में डिवाइड करना पड़ेगा, ब्रेकडाउन करना पड़ेगा। अब ये ब्रेकडाउन हो चुका है, तो ब्रेकडाउन हुआ कैसे, मिक्सी से तो नहीं पीसा, किसने हेल्प किया, ऑब्वियसली हमारे टीथ ने। क्यों? क्योंकि ये हमारा अपर टीथ है, ये हमारा लोअर वन, बीच में हमने खाना रखा। अब हम क्या करेंगे, डेफिनेटली हमें खाने को ऐसे चबाना पड़ेगा। ओके, अब हमने जब खाना ऐसे चबा ही लिया तो वो डेफिनेटली ना वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो गया। अब वो ब्रेक डाउन होकर के क्या करेगा, नीचे जाएगा, क्योंकि ज्यादा टाइम तक मुंह में भी स्टोर नहीं कर सकते। गुटका थोड़ी इसे साइड में दबा लिया हो भाई, चलाते रहो, या हम गाय थोड़ी है कि हम जुगाली करते रहेंगे टोटली। नहीं, हमने उसे क्या किया, नीचे फॉरवर्ड कर दिया, आगे भाई तू आगे जा, तेरा काम हो गया यहाँ चबने का। अब क्या होता है, जो मुंह में हमने खाना चबा लिया है, च्युइंग कर लिया है, उसको हमने नीचे नंगल लिया, लेकिन मुंह से हमने क्या किया, फर्स्टली खाने को डाइजेस्ट किया। डाइजेस्ट करना यानी बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना। ओके, जब फूड बड़ा था तो क्या अभी हम कभी कह सकते कि नहीं मैंने तो पूरा गस्सा नंगल लिया है, रोटी का बाइट नीचे ले लिया बिना चबाए, इज इट पॉसिबल? नहीं, वो हमारे गले में फंस जाएगा अगर हमने ऐसा किया। कभी ऐसा हुआ है ना, जब हमने कभी डेंटल ट्रीटमेंट करवाया है, या फिर जो छोटा बेबी होता है, या जो बुजुर्ग होते हैं जिनके दांत नहीं होते, हमारी मम्मी उनको क्या देती है, दलिया खिचड़ी। मुझे नहीं पसंद, हमारी मम्मी हमें क्या देती है, दलिया खिचड़ी। अब किसी ने सोचा है कि मम्मी हमेशा हमें दलिया खिचड़ी क्यों देती है? क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। सब जानते हैं दलिया खिचड़ी में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, प्लस वो लिक्विड फॉर्म में होता है, थोड़ा लिक्विड सा होता है ना, ऐसे पानी वाला जो होता है। एग्जैक्टली, अब वो क्या होता है, उसमें ज्यादा चबाने की नीड नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो बारीक फॉर्म में है तो हम उसे डायरेक्टली नंगल सकते हैं। इसलिए जब किसी के दांत नहीं होते हैं या दांतों में कुछ इशू होता है, तो उनको लिक्विड फॉर्म दी जाती है जिससे वो इजीली
नंगल पैर। इसीलिए जो हमारे माउथ होता है जहाँ पे टीथ के बीच में हम खाने को ऐसे जब चबाते हैं तो हमने खाना ड्राई फॉर्म में लिया, हमने कोई इसमें पानी वानी थोड़ी ना मिक्स किया बीच में। चलो सपोज इफ किसी के ड्राई सब्जी बनी है घर में या सूखी है बिन पानी वाली है तो हम क्या करते हैं चबाते हैं, पर तब लिक्विड कहाँ से आता है हमारे मुंह में? एक्स्ट्रा थोड़ी कि साइड में, इस साइड में हमने पानी भर रखा है, इस साइड हमारा रोटी का बाइट है तो वो मिक्स होता रहेगा, नहीं। हमारे मुंह में होती है सलाइवा, जो कहाँ से रिलीज होती है हमारी सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड से। नाउ अब इस सलाइवरी ग्लैंड होती है क्या करती है, सलाइवा प्रोड्यूस करती है, हमें सलाइवा रिलीज करती है हमारे माउथ में। अब इस सलाइवा क्या होता है, एक लिक्विड होता है, थोड़ा चिकना सा पदार्थ जिसको हम कह सकते हैं। अब ये चिकना पदार्थ क्या करता है, खाने के साथ मिलता है। अब जब ये खाने के साथ मिल चुका है तो इसने खाने को कौन सी फॉर्म बना दिया है, खाने की इसने लिक्विड फॉर्म बना दी। तो इसे हम जब इजिली चबा पाएंगे तो इसे हम इजिली नंगल भी पाएंगे क्योंकि हमारी लिक्विड फॉर्म वहां प्रेजेंट है। अब ये तो हो गया हमारा डाइजेशन। अब एब्जॉर्प्शन क्या होता है, लुक हमने खाना चबा लिया, अच्छे से चबा लिया, उसको नीचे भी ले लिया, लेकिन जो उसके अंदर मिनरल्स है, जो न्यूट्रिशन है, जो इम्पोर्टेंट वो है हमारे मॉलिक्यूल्स, उसे हमें लेना भी तो पड़ेगा। क्योंकि जब तक एंजाइम्स हमारे ब्लड में मिलेंगे नहीं तो हमें एनर्जी मिलेगी कैसे, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी हमारी बॉडी चलेगी कैसे, हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, हम तो बिल्कुल लो हो जाएंगे बिकॉज एनर्जी तो मिली ही नहीं है। ओके सो जो डाइजेशन फूड है उसमें से हमारे मिनरल्स और इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स का लेने की कैपेसिटी जो होती है उसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। नाउ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हमारा फर्स्ट टॉपिक, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स इंडिफ्यूजल फूड मटेरियल इनटू सिंपल एंड डिफ्यूजिबल फूड बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस इज टर्म्ड एज डाइजेशन। ओके तो अभी क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स इंडिफ्यूजल फूड, इंडिविजुअल जो मैंने आपको बताया इंडिविजुअल फूड क्या होता है, जो फूड पार्टिकल बड़ा होता है उसे हमें अपने टीथ के द्वारा छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करना होता है ताकि हम उसमें से जो हमारे मिनरल्स और न्यूट्रिशन है उनको इजिली एब्जॉर्व कर पाए। तो जब वो सिंपल फॉर्म में टूटेगा तभी हम उसको एब्जॉर्व कर पाएंगे। अब ये किसके थ्रू होता है, जो हमारे डिफ्यूजन होता है डिफ्यूजिबल फॉर्म में जब हम फूड को कन्वर्ट करते हैं वो कैसे करते हैं, मैकेनिकल प्रोसेस प्लस बायोकेमिकल प्रोसेस। यू सी द वर्ड हियर, मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल। तो ये जो प्रोसेस होती है क्या होती है, हम चाहते हैं मैकेनिकल, कुछ मैकेनिक से रिलेटेड है या कुछ मैकेनिज्म से रिलेटेड है। मैकेनिज्म क्या होती है, सब पढ़ा होगा सबने केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में कि मैकेनिज्म क्या होती है, जब कोई प्रोसेस है उसमें हम कोई एक्स्ट्रा पार्ट, कोई थर्ड पार्टी इंक्लूड कर देते हैं। सपोज जब हमने खाना चबाया ठीक है, तो हमने क्या किया उसमें सलाइवा ऐड करी। मैंने आपको बताया जब हमने खाना चबाया तो वो ड्राई फॉर्म में होता है, प्लस हमारे माउथ में होती है सलाइवरी ग्लैंड्स, वो सलाइवा रिलीज करती है। तो जब वो सलाइवा उस खाने में आकर के मिल जाएगा तो क्या प्रोसेस हुई, थर्ड पार्ट कुछ आकर के जब उसमें मिक्स हो गया तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, मैकेनिकल। क्या कहलाएगी वो प्रोसेस, मैकेनिकल। जब थर्ड चीज कुछ आकर के उसमें मिल गई तो उसके ब्रेक डाउन करने में हमारी हेल्प कर रही है, वो हमारी मैकेनिकल प्रोसेस है। एंड वही बायोकेमिकल प्रोसेस क्या होती है, अपर टीथ लोअर टीथ, खाना कहाँ इन दोनों के बीच में, इसने इसको चबाया 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 चबाया, चबाता रहा हमारा मुंह तो इसको बहुत देर तक, तो ये हमारी कौन सी फॉर्म हुई, बायोकेमिकल। बिकॉज इसमें हमें कोई नया थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट चाहिए था, क्यों, क्योंकि उसने चबाया जब फूड को तो वो ब्रेकडाउन हो गया सिंपल फॉर्म में। ओके दिस इज द टर्म इज डाइजेशन। अब हम देख सकते हैं डायग्राम में, यहाँ पे हमारा माउथ है, मैंने आपको बताया हमारा फर्स्ट एंट्री गेट जिससे हमारा डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, मुंह। बिकॉज मुंह में क्या प्रेजेंट होते हैं, टीथ। ऑब्वियसली सबके मुंह में टीथ प्रेजेंट है, कोई ऐसा तो नहीं कि नहीं मैम हमारे मुंह में आज दांत नहीं है, अभी तक तो आए नहीं है या आकर के सारे टूट चुके हैं, ऐसा कोई नहीं होगा। तो सबके मुंह में टीथ प्रेजेंट होता है, अपर टीथ और लोअर टीथ, है ना। जब इन दोनों के बीच में खाना आता है तो हम उसे चिंक करते हैं, इसलिए फर्स्टली डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, हमारे माउथ से। सो द फर्स्ट इज माउथ, उसके नीचे है हमारी टंग। अब टंग का क्या रोल है, मतलब टंग इतनी सॉफ्ट सी इतनी स्पंजी सी होती है, ये क्या डाइजेशन करती होगी, तो कुछ करती नहीं होगी कि करती है, एक्चुअली नॉट। टंग का डाइजेशन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। टंग का मेन काम क्या होता है, हमने कोई सपोज फूड इंटेक किया जो हमारे माउथ में है, कोई फूड सपोज इफी, अब हमें पता करना है कि आज इसमें नमक ज्यादा है, मम्मी ने खाने में नमक डाल दिया, आज सब्जी में मिर्ची कम है, लड्डू तो मीठे है, केवी का चार खट्टा है,
तो ये हमें पता कैसे पड़ा कि कौन सी चीज कड़वी, मीठी, खट्टी, तीखी है? क्यों? क्योंकि हमारे मुंह के अंदर जो हमारी टंग होती है उसके अंदर कुछ सेंसरी सील्स होती है. क्या होती है? कुछ सील्स होती है, कुछ यहाँ पे पार्ट्स में जो डिवाइड होती है. अब एक्चुअली जो टंग है, सबकी यू शेप में टंग होती है, तो यू कैन सी ये टंग होती है. अब इसमें पता पर्टिकुलरली जो स्पेसिफिक टेस्ट होता है फूड का, जैसे कोई स्वीट टेस्ट है, स्वीट मतलब मीठा, मीठे टेस्ट के लिए ये स्पेसिफिक होता है एरिया. हर टेस्ट के लिए हर एरिया स्पेसिफिक होता है. अब ये सपोजिटली ये स्वीट के लिए टेस्ट है, ये है तीखे के लिए स्पाइसी, और ये है स्वीट के लिए. अब कोई स्पाइसी चीज है, सपोजिटली आप लाल मिर्ची ले लीजिए, लाल मिर्ची खानी है, हरी मिर्ची खानी है. अब आप स्पाइसी पार्ट को उठा करके पीछे रखेंगे तो क्या होगा? आपको टेस्ट ही नहीं आएगा. सपोजिटली अगर आपने स्पाइसी जो है, अपनी चिली है, आपने इसको उठा करके यहाँ पे रख दिया, तो मैं कह रही हूँ ना आपको टेस्ट नहीं आएगा. बिकॉज जो फर्स्ट पार्ट है, जो टंग का या फर्स्ट द फ्रंट पोर्शन है, ये आपका चिली के लिए स्पेसिफिक है, अपनी स्पाइसेस के लिए स्पेसिफिक है. तो जब आप ओनली इसी पार्ट पे अपनी चिली रखेंगे तो ही आपको टेस्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा. जो बैक पार्ट है वो आपका स्वीट, भैया एक ग्लास चॉकलेट खानी है आज तो मुझे, मैंने ये तो यहाँ पर रख लिया या फिर यहाँ पर रख लिया. यार मीठी क्यों नहीं लग रही किसी ने? एक ग्लास चॉकलेट में क्या शक्कर आपका नहीं डाली क्या? मुझे तो मीठा खाना था, टेस्ट ही नहीं आ रहा. अब ये आ गई इस पार्ट पे, यार यहाँ पर आकर के तो मीठा लग रहा है, आगे पीछे क्या हुआ था? लगता है जीभ खराब हो गई मेरी, नहीं लगवानी पड़ेगी कुछ ऐसा. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. जीभ कभी खराब नहीं होती है. इसके जो पर्टिकुलरली स्पेसिफिक ऑर्गन, ये पार्ट होते हैं, ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा टेस्ट कहाँ पे प्रेजेंट होगा और उसका टेस्ट हमें कहाँ पे आएगा. टंग का सिर्फ यही काम है. अब हम देख सकते हैं बैक में. हाँ, वन मोर थिंग, टीथ आर ऑल्सो प्रेजेंट इन योर माउथ, है ना? सबके माउथ में टीथ प्रेजेंट होते हैं. मैंने आपको बताया टीथ का स्पेसिफिक काम क्या होता है, अपर वन लोअर वन. टीथ के बीच में हमने खाना रखा, इसको हमने चंक 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 करके चबा लिया है, स्मॉल पार्ट्स में ब्रेकडाउन हो चुका है. अब ब्रेकडाउन होने के बाद क्या होगा? उसमें से जो न्यूट्रिशन है, जो हमारे मेन पार्ट से जो जिससे हमें वो मिलेगा, एनर्जीज मिलती है, वो हमारे सारे एब्जॉर्ब हो चुके हैं. ठीक है, वो हमने एब्जॉर्ब कर लिए है, अब कहाँ से? टीथ से. तो वो क्या हुआ? पीछे चले गए. जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो पीछे आ गया. अब क्या हुआ? टीथ का क्या मेन काम क्या था? टीथ का सिर्फ खाने का चबाना और फिर छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड करना. अब आपने एक नाम सुना है कभी? मैंने तो सुना है इनेमल. सब जानते हैं इनेमल क्या होता है, या फिर कोई है जो नहीं जानता? इनेमल जस्ट लाइक क्या होता है, टीथ के जो हमारे ये टीथ है, सपोजिटली ये टीथ है, इसकी जो आउटर स्ट्रक्चर होती है जो व्हाइट कलर की होती है, ये होती है इनेमल. नाउ व्हाट इज इनेमल? इनेमल इज द मोस्ट हार्ड पैलेट ऑफ योर बॉडी, मोस्ट हार्ड, इवन मोर देन योर बोन आल्सो. जो हमारी बोन्स होती है उससे भी ज्यादा हार्ड पार्ट होता है हमारा इनेमल. लोग कहते हैं कि हाँ हड्डी तोड़ दूंगा, हड्डी तोड़ दूंगा, हड्डी तो टूट जाती है. इनेमल हमारा बहुत हार्ड पार्ट होता है, वो नहीं टूटता. इसलिए जो हमारे टीथ की अपर लेयर होती है वो कहलाती है इनेमल. नाउ हियर इज द सलाइवरी ग्लैंड्स. अब सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होती है? मैंने आपको बताया था जब हमने फूड इंटेक किया है अपने माउथ में, तो वो ड्राई फॉर्म में रहता है. ड्राई फॉर्म में कभी कोई फूड ब्रेकडाउन नहीं होता है, इसलिए उसको कोई लिक्विड फॉर्म चाहिए होती है. वो हमारी क्या होती है? सलाइवा. और सलाइवा कहाँ से होती है, प्रोड्यूस, रिलीज कहाँ से होती है? सलाइवरी ग्लैंड से. क्योंकि ग्लैंड से ही क्या होगा, जो ग्लैंड होगी वहीं से तो उसकी चीजें बाहर रिलीज होगी ना. ग्लैंड से तो सिक्रेट करती है सारी चीजें, इसलिए ग्लैंड से हमारी सलाइवा रिलीज होगी. फेरिंग्स. फेरिंग्स क्या होता है, अब मैं आपको बताती हूँ. ये जो हमारा माउथ है, इसने तो ले लिया भाई, इसने एब्सॉर्ब कर लिया जितना इसको करना था. अब क्या होगा? अनडाइजेस्टेड फूड रह गया. अब अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करेगी? फेरिंग्स, जो हम देख सकते हैं एक पतला पाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम फूड पाइप भी कहते हैं. ओके, अब फेरिंग्स का काम क्या होता है? क्योंकि पतली सी स्ट्रक्चर है, आफ्टर ऑल यहाँ पे तो पतला है, खाना डाइजेस्ट कर ही नहीं सकता, तो क्या होगा? इसका वर्क होगा खाने को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का. ये जो हमारा फेरिंग्स है, इसका काम होगा खाने को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का. इसलिए यहाँ पे एक लिक्विड फॉर्म प्रेजेंट रहता है जो खाने को माउथ से लेकर स्टमक तक ट्रांसफर करता है. वैसे ही यहाँ पे आप ईसोफेगस भी एक देख सकते हैं. ईसोफेगस का भी सेम काम है. जो ये फूड पाइप होता है, इसमें से खाने को, पेरिंग से जो खाना आता है, एक टाइम पे आके ये रुक जाता है. अब वापस इसको नीचे कोई सपोर्ट चाहिए होता है, तो वहां पे अनदर सपोर्ट क्या होता है? आपका ईसोफेगस होता है. ईसोफेगस क्या करता है? सेम लिक्विड प्रोडक्ट प्रोवाइड कराता है, और उसी लिक्विड के थ्रू ट्रांसफर होकर फूड स्टमक में आ जाता है. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टमक होता है. स्टमक क्या होता है? सबने सुना होगा नाम स्टमक. जब आप खाना खा लेते हैं,
आपका पेट फुल हो जाता है तो वहां पे क्या होता है, स्टमक। क्यों स्टमक की, क्यों? क्योंकि स्टमक ही एक ऐसी जगह है जहां पर आपका फूड बहुत टाइम तक के लिए स्टोर होता है। अब स्टमक में ही क्यों? क्योंकि स्टमक एक बड़ा साइज होता है। व्हाट? स्टमक एक बड़ा साइज होता है तो आप जितना भी खाना खाते हैं वो स्टमक में स्टोर होता है। अब वो स्टमक में स्टोर क्यों होता है? क्योंकि स्टमक में पेंक्रियाज, लीवर से एमाइलेज, खूब सारे एंजाइम रिलीज होते हैं जो हमारे जो फूड्स होते हैं उनको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर लेते हैं। सबसे ज्यादा एंजाइम्स स्टमक में रिलीज होते हैं, बाइल एसिड्स वगैरह सब कुछ हमारे स्टमक में रिलीज होते हैं। वहां पे ये क्या काम करते हैं? वहां पे ये फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं। बट अब स्टमक पता है कैसी शेप में होता है? ये जे शेप, जे फॉर जग, सबने सुना होगा, जे फॉर जोकर सबने सुना होगा। बट ये कहता है भाई मैं तो जे शेप में एक ही कंडीशन में रहूंगा। वो कंडीशन क्या होती है इसकी? जब ये इम्पिटी फॉर्म में होता है। दो दिन हो गए मेरे तो व्रत है, मैंने दो दिन से खाना नहीं खाया, मम्मी बहुत गंदी सब्जी बना रही है घर में, मैंने खाई नहीं है। ठीक है, अब क्या है भाई, दो दिन से पेट खाली है। तो जब आप देखेंगे आपको उसका स्टमक जे शेप में दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो इम्पिटी फॉर्म में है। लेकिन जब आप उसमें फूड स्टोर करेंगे तो जो उसका साइज है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि जब इसका फूड फुल हो गया है तो भी हम इसकी शेप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। वो काम होता है स्टमक का। अब आफ्टर स्टमक हम देख सकते हैं ये लाइट पिंक कलर का जो स्टमक है, यहाँ से ये जो कनेक्टिविटी आ रही है हम देख सकते हैं, क्या ये यहाँ से कनेक्ट है क्या लार्ज इंटेस्टाइन से? एक्चुअली नोट, हमें फ्रंट से दिख रहा है कि ये लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है, बट फ्रॉम द बैक ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉइल फॉर्म में है, यहाँ पे आकर के कनेक्ट हो रहा है। अब क्योंकि हम फ्रंट से देख रहे हैं इसलिए हमें लार्ज इंटेस्टाइन दिख रहा है, लेकिन जब हम बैक पोर्शन से देखेंगे तो आफ्टर स्टमक ये जो पाइप है ये स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट हो रहा है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन पूरी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट होता है जिसका 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। कितनी? 7.5 मीटर लॉन्ग होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। अब इसका क्या काम होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन हम देख सकते हैं तीन पार्ट में डिवाइडेड होती है, ड्यूडेनम, जेजनम और ईलियम। अब हम देख सकते हैं जो ड्यूडेनम होता है, जो जेजनम होता है और जो ईलियम होता है, ये तीन पार्ट होता है। फर्स्ट वन इज ड्यूडेनम। जब खाना स्टमक से आता है फर्स्टली ड्यूडेनम में आता है, यहाँ पे खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब किया जाता है। आफ्टर दैट जो जेजनम होता है, जेजनम में खूब सारी ब्लड सेल्स पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ब्लड सेल्स का क्या काम होता है? जब हमने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, सारे मिनरल्स को, सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स को फूड से हमने एब्जॉर्ब कर लिया, आफ्टर दैट वो जेजनम में होगा। अब जेजनम में जब ब्लड सेल्स होगी, सपोज यहाँ पे जो ब्लड सेल्स है इनको क्या चाहिए? जो वो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको बॉडी के अदर ऑर्गन्स तक भी तो पहुंचाना रहेगा ना। तो जो भी एब्जॉर्ब की हुई चीजें है उसको जेजेनम रखेगा अपने पास, ब्लड सेल से होती हुई ये बाकी सारे ऑर्गन्स जो हमारे हेड है, इधर हमारा हेड है, यहाँ पे हमारा हेड है, यहाँ पे हमारे हैंड है, हर जगह वो उसको डिवाइड कर देगा और सबको कॉन्ट्रीब्यूट, थोड़ी सा प्रसाद, थोड़ा सा प्रसाद, थोड़ा सा प्रसाद, तुम लेकर के हर जगह उसको डिवाइड कर देगा। और ईलियम होता है जो लास्ट पार्ट हमारा होता है, यहाँ पे हमारा ईलियम होता है जो लास्ट वन से आकर सारा डाइजेस्ट हो जाता है। अब ये जो ईलियम है ये नीचे से होता हुआ हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है, जिसे हम देख सकते हैं फर्स्टली इज कॉलन, सेकेंड इज केकम एंड थर्ड इज रेक्टम। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ये यहाँ से कॉलन होता है, प्लस कॉलन से जब ये निकलता है यू कैन सी हियर इज अ कॉलन। अब कॉलन से जब ये अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है और यहाँ पे आकर के भी उसकी सेम प्रोसेस होती है। फर्स्टली वो कॉलन में आता है, आफ्टर दैट वो केकम में आता है और इन द लास्ट वो रेक्टम में आता है। यहाँ पे रेक्टम में आने के बाद लास्टली अनडाइजेस्टेड फूड लेफ्ट रह जाता है। क्या रह जाता है? ओनली अनडाइजेस्टेड फूड। अब उसके बाद क्या होता है? अनडाइजेस्टेड फूड के बाद यहाँ पे वो रह गया। इसके बाद हम देख सकते हैं कि एनल केनाल होती है, जो ये पतली सी केनाल होती है। यहाँ पे जब फूड आ जाता है इस केनाल में, आफ्टर दैट यहाँ पे प्रॉपरली अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है। अब ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है हम एक टाइम तक यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर दैट क्या होगा? जो हमारी केनाल होगी, ये हमारी केनाल है, ये फुल हो चुकी है। ओके, अब ये फुल हो गई तो हम अनडाइजेस्टेड फूड को कहाँ स्टोर कर सकते हैं? डेफिनेटली केनाल में हम रख नहीं सकते, तो इसे हमें यहाँ से बाहर रिलीज करना होगा। अब रिलीज करने के लिए क्या होगा? एक पार्ट होगा जिसे हम कहते हैं एनस, जो हमारा एलिमेंट्री केनाल का लास्ट होता है। लास्ट पार्ट हमारा एलिमेंट्री केनाल का क्या होता है? एनस।
अब ये जो एनस यहाँ पे होता है इसके दो पोर होते हैं, इंटरनल जो अंदर से कनेक्टेड होता है एंड हियर इज द एक्सटर्नल। अब इंटरनल गेट विदाउट हमारी परमिशन ओपन हो जाता है, जब ये ओपन हो जाएगा तो अनडाइजेस्टेड फूड है जो इस एनस में आके कलेक्ट हो जाएगा। अब इंटरनल जो पोर है वो ओपन हो गया, अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ पे आके कलेक्ट हो गया। अब जब तक हम इसको परमिट नहीं देते हैं, हम इसको परमिशन नहीं देते हैं, जो हमारा एक्सटर्नल पोर है इट वॉन्ट बी ओपन। क्योंकि अगर हमने एक्सटर्नल पोर ओपन कर दिया तो क्या होगा, हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर आना होगा। एंड जो सपोजिटली हम कंफर्टेबल जोन में नहीं है, हम उस एरिया में नहीं है जहां हमारे पास वॉशरूम अवेलेबल हो, तो क्या होगा, इट विल बी भैया फिर तो मजाक ही बनेगा और कुछ नहीं होगा। इसलिए एक्सटर्नल पार्ट विदाउट हमारी परमिशन कभी ओपन नहीं होता है। ओके, एक्सटर्नल पार्ट विदाउट हमारी परमिशन कभी भी ओपन नहीं होता है। इसलिए जब हम परमिट करेंगे तब हमारा एनस का एक्सटर्नल पोर ओपन होगा और हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर रिलीज कर दिया जाएगा।